मिल गई जीत टीम इंडिया को। दोस्तों, बदकिस्मती से बेशक इंडिया ने इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन एक बात सुनकर आप हैरत में होंगे और आप खुश भी होंगे कि 2023 भारत के लिए सबसे बेस्ट ईयर रहा है। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जितनी सफल 2000 दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम होती थी उनसे सब घबराते थे, उतनी ही सफल 2023 में भारतीय टीम भी रही। भारतीय टीम का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में बिल्कुल इस तरह से रहा था जैसे एक चैंपियन टीम का होता है। दुर्भाग्य से सिर्फ एक मैच वो फाइनल में हारे, जो बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि पिच की वजह से ये हुआ, क्योंकि बाद में खेलने वाली टीम को इस पिच पर फायदा होता और बदकिस्मती से इंडिया ये मैच हारी। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थी और वो ही चैंपियंस की तरह खेली, या कह सकते हैं चैंपियंस की तरह हारी। साल 2023 में भारत ने अपने वनडे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया इस कदर हावी रही कि उसका प्रदर्शन 2000 के दशक वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की याद दिला गया, जिस टीम से सब उस जमाने में डरते थे। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। भारत ने इस साल खेले 35 वनडे में से 27 में जीत हासिल की, जो कि इतने ही मुकाबले खेलकर साल 2003 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किया था। इससे पहले वनडे में टीम इंडिया का प्रदर्शन साल 1998 में बेहतर रहा था, जहां उसने 24 वनडे मैच जीते थे। साल 2023 में भारत ने एक कैलेंडर ईयर में जीत का औसत अंतर, सबसे ज्यादा बार 2000 प्लस रन से जीत, सबसे बड़े स्कोर, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा विकेट जैसे रिकॉर्ड बना दिए, जिन्हें कम होते वनडे मुकाबलों के बीच तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। ये सालों तक कायम रहने वाला रिकॉर्ड है। भारत ने साल 2023 में 14 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। इनमें उसका औसत जीत अंतर 143 रन रहा है, जो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा है। अफ्रीका का जीत का औसत अंतर 137 रहा है। साल 2003 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 मैच 122 रन के अंतर से जीते थे। 2007 की ऑस्ट्रेलिया टीम ने 12 मैच 105 रन के अंतर से जीते थे। साल 2023 में 9 बार भारत का स्कोर 350 के पार पहुंचा। ये किसी टीम के कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 350 प्लस स्कोर हैं। उसने साल 2019 में इंग्लैंड के 7 बार 350 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया की ओर से इस साल 19 शतक लगे हैं। ऐसा करके भारत ने साल 2017 के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की है। कोहली वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर दुनिया में 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। टीम इंडिया इस साल वनडे इतिहास के किसी साल में 250 छक्के जमाने वाली पहली टीम बन गई। अफ्रीका ने 225 छक्के लगाकर रिकॉर्ड टैली में दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों टीमों ने विंडीज के साल 2019 में लगे 209 छक्कों का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा था। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने इन 250 में से 67 छक्के जड़े हैं। जी हां, यह किसी बल्लेबाज द्वारा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा है। रोहित ने एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 58 छक्के साल 2015 का रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने इस साल 289 विकेट लेकर साल 1998 में 286 विकेट लेने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल उन्होंने 27.4 गेंद में ये विकेट चटकाए, जो किसी टीम के लिए कैलेंडर ईयर में बेस्ट स्ट्राइक रेट है। भारतीय टीम में इस साल 8 बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। इसमें पाकिस्तान 1990, ऑस्ट्रेलिया 2004 और श्रीलंका 2008 के 6-6-5 विकेट हॉल के पुराने रिकॉर्ड सारे भारत ने तोड़ दिए। आगे भारत के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक इंडिया, इसी तरह से खेलते रहो। इस बार ना सही, लेकिन अगली बार और कई बार आपको फिर से मौका मिलेगा अपने हुनर को दिखाने का और वर्ल्ड कप इंडिया में वापस लाने का। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बस लगे रहो।